यस बेटे साहिब तुम्हाला बुक दे विच तुहाडा टॉपिक है आजा गुरु अर्जन देव जी की काव्य रचना तू मेरा पिता तू है मेरा माता। वो पहले गुरु अर्जन देव जी के बारे कोई बच्चे कोई भी बच्चा दो तीन लाइंस दसो गुरु अर्जन देव जी के बारे या बुक चो रीड करो बेटे। यस बेटे कौन करेगा रीडिंग बुक चो? और ये शब्द तुहाडा अपना स्कूल शब्द है और ये तुसी शुरू तो ही जे बच्चे नर्सरी क्लास तो जड़े बच्चे ज्वाइन किए हुए सब बच्चों को याद आ गया होना शब्द कि अपना स्कूल प्रेयर दे विच शब्द गांदे रहे हैं रिसाइट करते रहे हैं। हाँ कि लास्ट ईयर तो सिचुएशन ये बनी कि अपना प्रेयर नहीं कर पाए स्कूल में इकट्ठे मिलके पर तुम्हें शब्द तो याद होना है ना बच्चे। तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदर तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सपनी थाई गुरु नानक देव जी जिवें पहले गुरु होए ने कि गुरु अर्जन देव जी सिखां दे पंजवें गुरु जिन्हां नूं की कहा जांदा है शहीदां दे सरताज जिन्हां नूं तत्तियां तवियां ते बिठाया गया उपर गर्म गर्म लोह ते बिठा के रेता पाई गई उन्होंने परमात्मा का भाणा मिठा करके बनिया उन्होंने महान कारज कौन दसेगा महान कारज उन्होंने की किया। यस बेटे कौन बोलेगा प्लीज रेज योर हैंड्स। महान कारज यस बेटे ट्राई करके देखो हरजोत हरजोत एक जोत महान कारज गुरु अर्जन देव जी वालों केड़ा किता गया हरजोत। यस बेटे अमृतसर शहर वसाया। यस यस बेटे अमृतसर शहर वसाया। अमृतसर शहर ता रामदास नगरी गुरु रामदास जी ने वसाई है नहीं उन्होंने नगर ता वसाया है तरन तारण नगर वसाया और नगर वसाया पर सब तो महान कारज सब तो बड़ा महान काम। यस संतोख सर ते अमृतसर विच दो सरोवर गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना बच्चे सारे गुरु से बांधी वाणी इकट्ठा कीती और उन्हें तरतीब दित्ती गुरु ग्रंथ साहिब फिर भाई गुरदास जी को लिखवाया फिर उसका स्वरूप तैयार किया ते उन्होंने सब तो पहला उस स्वरूप नु हरमंदर साहिब विच विराजमान किया गया और सब तो पहले ग्रंथी कौन बनाए गए बाबा बुड्ढा जी ये महान कारज किया ठीक है बच्चे। हाँ इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे नगर बसाए है तरन तारण है गोइंदवाल विच बोली साहिब की उसारी की है और हरिमंदर साहब की नींह रखवाई है उन्होंने किने तो रखवाई सी नींह ये दस सकते हो? यस किस तो रखवाई नींह साई मिया मीर तो मुसलमान फकीर साई मिया मीर तो और सब तो वध बाणी किन्ना ने रची गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहिब इन्हां दी प्रसिद्ध रचना ये सारे वन मोर क्वेश्चन दे विच आ सकते है बेटे। जिस गुरु साहिबान दी जां किसी भी कवि दी जदों रचना करदे हो तां कवि दे बारे रचनहार दे बारे जानना जरूरी है ठीक है। गुरु अर्जन देव जी सिखां दे पंजवें गुरु पिता गुरु रामदास जी जो सिखां दे चौथे गुरु हुए हैं माता बीबी भानी जी ठीक है ते गुरु अर्जन देव जी चौथे गुरु साहिबान तो बाद उन्होंने गुरगद्दी मिली उन्होंने महान कारज किया गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना का ठीक है सुखमनी साहिब उन्होंने प्रसिद्ध रचना और सब तो वध बाणी भी गुरु अर्जन देव जी ने रची जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है 2218 शब्द गुरु अर्जन देव जी दे ने सब तो वध रचन रचना करने वाले बाणी नूं उचारण वाले कौन ने गुरु अर्जन देव जी और इस तो भी वध के गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं 31 रागां विच दर्ज है उहदे विचों 30 रागां विच गुरु अर्जन देव जी ने बाणी रची ये भी सुभाग इन्हां नूं प्राप्त होया इहदा मतलब गुरु अर्जन देव जी निम्रता सेवा भाव वाले बाणी दे बोहित कहा इन्हां नूं बाणी दे जहाज कहा गया है कि बाणी दे जहाज होए ने
और इन्हों के नाना गुरु अमरदास जी ने तो पहला ही बचपन में ही एक भविखबाणी कह लो कि वर दे दिता सी दोहिता बाणी का बोहिता कि जरा बोहिता होया ना उन्होंने बीबी भाणी जी असल कि पुत्री हुए गुरु अमरदास जी की। गुरु अमरदास जी ने अपनी बच्ची बीबी भाणी का विआह किया गुरु रामदास जी के नाल ते गुरु रामदास जी ते बीबी भाणी जी के घर सुपुत्र पैदा हुए गुरु अर्जन देव जी। और जो तो गुरु अर्जन देव जी पैदा हुए प्रगट हुए अवतार धारिया तो उन्होंने नाना गुरु अमरदास जी ने पहला ही कह दिता दोहिता बाणी का बोहिता कि जरा उन्होंने दोहता होया ना नाना जी के नाल दोहते का संबंध होंगे रिश्ता कि अगे जाके बाणी का जहाज बनेगा। तो वह गल प्रूफ भी हुई वो गल साबित हुई बिल्कुल सच साबित हुई कि गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के सब तो बाणी वध रची है और सुखमनी साहिब उन्हां दी प्रसिद्ध रचना सुखा दी मणि कि जड़ी बाणी पढ़ लो तो सुख प्राप्त होंगे ने। वैसा हरेक शब्द पढ़ने वाली निम्रता सहनशीलता मिलती सबर संतोख की भावना आती है। हुण आपां अज गुरु अर्जन देव जी का शब्द पढ़ना है और उन्हें समझना है और ये व्याख्या करनी है और ये शब्द तुम्हें अच्छी तरह आंदा भी है सब बच्चों तू मेरा पिता तू है मेरा माता ठीक है बच्चे मैं तुम्हें शेयर कर दी है एक बार शब्द वो देखो तुसी उन्हें समझो उन्होंने मीनिंग समझो और फिर आप व्याख्या करांगे ते क्वेश्चन आंसर करांगे। बच्चों की एंट्री बहुत लेट हो रही है और बहुत सारे बच्चे इरेगुलर है इस क्लास मैं थोड़े क्लास टीचर नाल डिस्कस करना कि फर्स्ट पीरियड से भी बच्चे इस तरह ही सी जबकि लास्ट पीरियड टेंथ बीच सी तो बच्चे सारे बच्चे प्रेजेंट हुए हैं। देखो 48 स्टूडेंट थे उनमें से 48 ने 48 तकरीबन प्रेजेंट थे। तो एनी हाउ अपन स्क्रीन शेयर कर दें थोड़े नाल शब्द यस बेटे शब्द को चंगी तरह रीड करो सब बच्चे को तकरीबन मैं लगता है बुक होएगी साहित्य माला बुक शब्द देखो गुरु अर्जन देव जी तू मेरा पिता तू मेरा माता तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता बंधक का मतलब है रिश्तेदार नोट करो बंधक मीन्स रिश्तेदार भ्राता मीन्स भरा तू मेरा राखा सभी थाई तांपो केहा काड़ा जियो काड़ा का मतलब होंगे फिक्र चिंता कोई फिक्र नहीं है भाव मीन्स कोई डर नहीं है जिथे परमात्मा साडा सहारा है परमात्मा की ओट है सबनी थाई कौन है परमात्मा है ये सारी सृष्टि किसकी रचना है परमात्मा की रचना है ठीक है बच्चे तुमरी कृपा ते तुत पछाना तुहाडी कृपा नाल ही असीं तुहानूं पछाण सकते हाँ तुहाडे नाल सांझ बना सकते हाँ तू मेरी ओर तू है मेरा माना गुरु अर्जन देव जी अरजोई कर रहे ने अरदास की भावना में ही शब्द बोलिया गुरु अर्जन देव जी ने कि तुसी ही साडा ओट आसरा हो तुसी साडा मान हो तुसी साडी ताकत हो तुझ बिन दूजा अवर न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो अखाड़ा का मतलब कि संसार की है एक अखाड़ा है जगत किसका सजा हुआ अखाड़ा है परमात्मा का इस संसार जो जगत तमाशा है परमात्मा की लीला है परमात्मा ने इसको सिरजा है सृष्टि की सिरजना करने वाला परमात्मा है सिरजनहार पालनहार रखनहार सब कुछ परमात्मा ही है इस करके कदी भी परमात्मा नु विसारिया नहीं जा सकता। जी जंत सब तुद उपाय सारे जीव जंतु संसारक जीव मीन्स मनुख पशु पंछी हर तरह के जीव जल जी फल जी सब परमात्मा दे ही पैदा किते हुए ने उपाय दा मतलब है पैदा किते जित जित पाना तित तित लाए परमात्मा दी रजा अनुसारी सारे जीव अपने अपने कम्मा विच लगे हुए इस संसार विच आके कम्मा विच लाए हुए ने परमात्मा ने जो परमात्मा नु पांदा सब किछ किता तेरा होवे परमात्मा दी रजा नाल ही सब कुछ हो रहा है ना ही किचे साड़ा जी साड़ा तो कोई रोल ही है नहीं साड़ी तो कोई भूमिका नहीं है असाड़ा मीन्स साड़ा नाम त्याए लास्ट पैरा देखो नाम त्याए
महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सिद्ध लाया, गुर पूरे वजी बधाई, नानक जिता बिखाड़ा चीव। सब बच्चे ने शब्द देखो रीड कर लिया बच्चे, हुण आपां इहनां दे वर्ड मीनिंग समझदे आ, इहनूं आपां एक्सप्लेन करदे आ इस शब्द नूं, इहनूं समझ के फिर आपां अगो इहदा सेंट्रल आइडिया वगैरा करांगे। यस बच्चे, हुण देखो इहनां दे मीनिंग। सब तो पहली लाइन समझो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता। बंधव का मतलब है रिश्तेदार, मीनिंग देखो रिश्तेदार। नेक्स्ट है भ्राता, भ्राता का मतलब है ठीक है, रिश्तेदार का मतलब क्या होता है, सका संबंधी। भ्राता का मतलब है भ्रा। नेक्स्ट लाइन है, पहले मीनिंग लिख लो, तू मेरा राखा, राखा मीन सहारा, रखवाला, सबनी थाई, हर जगह ते, थाई दा मतलब है हर जगह, परमात्मा वस रिहा, कण कण विच परमात्मा है, ये परमात्मा की महिमा कायम की जा रही है इस रचना विच। असल विच गुरु अर्जन देव जी ने यह शब्द उचारिया परमात्मा की महिमा कायम कर ली, परमात्मा की सिफत ला ले कि परमात्मा ही साडा सब कुछ है। ये जड़े दुनियावी रिश्ते ने तो सब झूठे ने, ये दुनियावी मोह प्यार सब झूठा है। असल विच साडा साथी कौन है, साडा परमात्मा, जिसने सानू इस दुनिया विच लियांदा है, ये दुनिया दिखाई है ठीक है, ये सानू अनमोल जीवन मिलिया, जड़ा सारा मनुखा जीवन जन्म है, मनुखा जीवन है सब तो अनमोल जीवन है। इस करके सानू उस परमात्मा, जिस परमात्मा ने सानू इस संसार विच भेजिया, इस संसार की सिरजना की है, उस परमात्मा नूं कदी भुलना नहीं चाहिए, उन्हूं कदी भी विसारना नहीं चाहिए, उहदी हमेशा उठते बैठते काम करते हुए उहदी याद नूं मन विच वसाउणा चाहिए, उन्हूं हमेशा चेते रखना चाहिए। तू मेरी कृपा ते तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਤਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ, ਓਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਤੇਰਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਜੀ, ਅਵਰ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਾੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਖਾੜਾ ਖੇਲ ਜਗਤ, ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਖਾੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਅਖਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਖਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸਦਾ ਅਖਾੜਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਉਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ ਕਿਸਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਸਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਭਾਣਾ ਦਿੱਤ ਤਲਾਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਅਸਾੜਾ ਜੀਉ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ,
साडा कोई रोल नहीं। जो कुछ संसार विच वापर रहा है परमात्मा की रजा अनुसार वापर रहा है, साडे जीवां की रजा अनुसार कुछ नहीं वापर रहा। ठीक है, ये गल सानू जीवां नू समझ लैनी चाहिए। इस करके हरि का नाम ही सुखदाई है। लास पैरास नाम के आए महा सुख पाया। महा का मतलब है परम आनंद की प्राप्ति, महा सुख परम आनंद की प्राप्ति हुंदी है। महा सुख का मतलब है परम आनंद की प्राप्ति। जेड़े जीव जो इस संसार विच आके परमात्मा का नाम सिमरन करते हैं उन्होंने परम आनंद की आत्मिक आनंद की प्राप्ति होंगी है। हर गुण गाए मेरा मन सितलाया, परमात्मा का गुण गायन करने हर का मतलब है परमात्मा। हर का भी मीनिंग नोट करो, हरि का मतलब है परमात्मा। हरि परमात्मा का नाम गायन करने सितला करने सितलाया, सितलाया का मतलब है ठंडक प्राप्त होंगी, मन शांत हो जाता है। सबर संतोख के गुण प्राप्त होंगे हैं, सबर संतोख निम्रता सेवा भाव सारे नैतिक कदर कीमत प्राप्त होंदिया ने जेकर असी परमात्मा का हरि का गुण गायन करते हाँ। लास्ट लाइन, गुरपुरे बची बधाई नानक चिता विखाड़ा जी। कि एक पूर्ण गुरु की कृपा नाल ये सब कुछ वापर सकता, पूर्ण गुरु धारना पैंदा जो परमात्मा नाल भी प्राप्त करांदा, सानू परमात्मा की प्राप्ति भी करांदा ते सही रस्ता भी दिखांदा है पूर्ण गुरु। जिवें साडे गुरु ग्रंथ साहिब ने हर एक दे अपने अपने गुरु धारण किए हुए ने, कोई रामायण है, जेडे भी कोई विचार होंगे ने ना वो साडे गुरु ने जेडे सानू सही रस्ता दिखाते हैं, साडा मार्गदर्शन करते हैं कि असी किहड़े रस्ते ते चलना है। वो साडा गुरु है, गुरु की कृपा हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पूर्ण गुरु की कृपा सत्ता ही परमात्मा की प्राप्ति होंगी है, परमात्मा के गुण गायन किए जा सकते हैं। इस संसारिक मोह बंधना तो छुटकारा मिले, भव सागर तो मुक्ति मिलती है। इस संसारिक भव सागर है, इस संसारिक झूठे बंधना में बंधिया हुआ है। असी सारे संसारिक बंधना में बंधे हुए, तुम सारे जीव जिवें साढ़े अपने दुनियावी माता पिता हैं, साढ़े भैन भरा हैं, दुनियावी चीजा हैं, दुनियावी पदार्थ हैं, असी उन्होंने मस्त हाँ और इन्ने मस्त हो जाने कई बार साढ़े चंकार आ जाता, ईगो आ जाती है। उन्होंने सारे बंधना तो झूठे बंधना तो किसने सानू पार उतारा करना है? परमात्मा ने। इस करके परमात्मा का नाम सिमरन करना साढ़े लिए बहुत जरूरी है, परमात्मा की महिमा का गायन करना बहुत जरूरी है। हाँ, संसारक कार विहार करते करते परमात्मा को चेते करना कि साढ़े माता पिता जिवें घर विच साढ़े माता पिता घर की संभाल करते हैं, उस तरह उस संसार ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਹੈ, जो कि घट घट विच वसता है। ठीक है बच्चे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। ये सारे संसारक जीव इको जोत तो परमात्मा की जोत तो पैदा हुए हैं, ये परमात्मा की महिमा है। इस शब्द के विच गुरु अर्जन देव जी ने परमात्मा की सिफत सलाह की है, परमात्मा की महिमा गाई है कि परमात्मा उच्चा तो उच्चा है, परमात्मा साडा रखवाला है, परमात्मा ही साडा ओट आसरा है, परमात्मा ही साडी ताकत है, साडा मान है। इस करके परमात्मा का नाम सिमरन करना जरूरी है। परमात्मा का नाम सिमरन करने नाल ही जीवन मुक्ति प्राप्त होंदी है, दुनियावी बंधना तो छुटकारा मिलता है। क्लियर है बच्चे? हुण तुसीं ये रचना जिहड़ी चंगी तरह रीड कर लैनी है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਬਣਾਓਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ठीक है। इको रचना गुरु अर्जन देव जी की, इन्हों तो पहला आप रचनावां दो कीतियां, कौन दसेगा केड़ी केड़ी रचना कीती सी बेटे? यस, केड़ी केड़ी रचना कीती काव रचनावां चो बच्चे, बोलो बेटे कौन दसेगा बच्चे केड़ी रचना कीती सी बेटे? राघव अरोड़ा। यस बेटे, केड़िया दो रचनावां आपां पहला पढ़िया ने बिफोर वेकेशन, जिहड़ा पीटी 1 विच आपां एग्जाम भी दित्ते ने बच्चे? मैम एक सो क्यों मंदा आखिए। यस वेरी गुड, एक कृपा करके बख्श लो। कृपा करके बख्श लो, सो क्यों मंदा आखिए आपां की पढ़िया सी बेटे? वो गुरु नानक देव जी दी लिखी हुई रचना है, जिस विच जो औरत दे बादे स्त्री की महानता दसी कि स्त्री मंदा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, वह भी तुसी रिवाइज करनी हैं। और दूसरी रचना सी कृपा करके बचो कि असी जिहड़े संसारक जीव हाँ बहुत ही भुलनहार हाँ, बहुत गलतियां करने वाले हाँ, परमात्मा साढ़े मेहर करके सानू बख्श देवे। उहदा भी विशा सेम सी कि परमात्मा ही बख्शनहार है कि असी संसारक जीव जो परमात्मा ने पैदा किए हुए हाँ जाने जाने विच बहुत गलतियां कर बैठते हैं, कि जे परमात्मा की कृपा हो जाए हरी की कृपा हो जाए, जो झूठे हर पर मिलिया एक लाइन पढ़ी सी झूठे, गुरु की कृपा हो जाए गुरु प्रसन्न हो जाए तो परमात्मा नाल मिला दिंदा है। तो मतलब गुरु जरिया है, पूरन गुरु नू पहला आपां पूरन गुरु की कृपा होनी जरूरी है, फिर परमात्मा की प्राप्ति होंगी है। क्लियर है बेटे? तीसरी रचना हूँ आप अज पढ़ी है, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, गुरु अर्जन देव जी। तीन गुरु साहबान दिया रचनावां आपां पढ़ लिया, गुरु नानक देव जी सो क्यों मंदा आखिए, गुरु अमरदास जी कृपा करके बख्श लियो, और गुरु अर्जन देव जी की रचना पढ़ी आपां, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। किनू किया गया? तू मीन्स तुसी परमात्मा, परमात्मा तू मीन्स परमात्मा, ये परमात्मा तू साडा पिता है तू साडा माता है, सब कुछ साडा तू ही है। और इस तो बाद अपना वार्तक लेख पहला पढ़े है, दो वार्तक लेख, एक घर का प्यार एक पढ़े आप बोली, ठीक है, वो भी एक बार तुसी रिवाइज करने हैं। और मैनू तुसी होमवर्क भी भेजना बेटे, अज ते कल विच तुसी हॉलीडेज होमवर्क कंप्लीट करके भेजना है, और उस तो बाद तुसी मैनू नोटबुक भेजनी है, जफरनामा एकांगी दा सरलेख है, विशा है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन ने, और पात्रां दी पात्र सारी जिहदे विच आपां चार पात्र डिस्कस कीते है, औरंगजेब मुख पात्र, ठीक है, उसकी पत्नी और बेटी, और एक अस्त खान कौन सी वजीर अहलकार, ठीक है, इन्हां दी पात्र सारी करनी है तुसी, बेगम उदयपुरे दी जिन्नत 19 साल दी, वो पात्र सारी करके होमवर्क नोटबुक कंप्लीट करनी है, हॉलीडेज होमवर्क तुसी आज दी डेट सबमिट करवाना है, और एक कविता तुसी अपनी पेयर नोटबुक से 2 डेज कंप्लीट करनी है। कल दी क्लास चपा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करांगे, और केंद्रीय भाव, हुण दसो केंद्रीय भाव की बनेगा, इहदा सार ही बोलो बेटे, हुण तुहाडे चो बोलेगा कि इहदी व्याख्या करो, उही केंद्रीय भाव है इस विच, कौन बोलेगा बेटे? बेटे एक बार केंद्रीय भाव बोल दो सारे बच्चे, आज वैसे थोड़ी अटेंडेंस बहुत कम है, बहुत घट अटेंडेंस हुई है थोड़ी क्लास की, मैं थोड़ी क्लास टीचर नाल डिस्कस करना कि बच्चे रेगुलर रहा करो, इस तरह बच्चे थोड़ी स्टडी का ही लॉस होना। बलजिंदर, बलजिंदर यस बेटे, इहदा केंद्रीय भाव बोलो, इहदी व्याख्या करो, बलजिंदर अनम्यूट योरसेल्फ बेटे, यस बच्चे बोलो बलजिंदर,
मैं ही दोबारा बोल दिया बेटे, तुसी बोल नहीं पा रहे, तुसी बेटे अनम्यूट करो अपने आप नू बलजिंदर। चलो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, गुरु अर्जन देव जी की रचना जिस गुरु साहिब ने परमात्मा की सिफला परमात्मा की महिमा का गायन किया है कि परमात्मा साडा पिता माता साडा रिश्तेदार साडा भ्राता साडा ओट आसरा साडा सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा की कृपा नाल ही परमात्मा नाल सांझ पैदा होती है। परमात्मा ने यह संसारिक तमाशा रचा है, संसारिक जीव पैदा किए ने अपनी रजा अनुसार वक् वक् कमां ते लाया। जो कुछ भी संसार विच वापर है ये परमात्मा की खेड है, अचरज खेड है, परमात्मा की रजा अनुसार वापर है। इस करके जिस परमात्मा ने सारे जीव जंतु पैदा किए ने सब वक् वक् कमां ते लाया, उस परमात्मा का नाम सिमरन करन नाल ही महा सुख की प्राप्ति होंगी है, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होंगी है। क्लियर क्लियर है बच्चे? अजे परमात्मा की कृपा नाल ही इस संसार के विच मोह बंधना तो जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक है बच्चे, हुण तुसीं इहनूं नोटबुक ते कर लेना कविता नूं समझ के, पर उस तो पहला तुसीं होलीडेज होमवर्क बेटे सबमिट करवाना है।